रौतिया समाज आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रही है। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट अखिलेश सहाय जी का क्या मत है? सहाय जी खास खास मुद्दों पर हमें सलाह देते रहते हैं, आइए जानते हैं क्या बोलते हैं ये रौतिया समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने के विषय में। रौतिया समाज का आंदोलन था एनएच में, इस संबंध में आपका क्या मत है? पहली प्रतिक्रिया तो मैं ये देना चाहूँगा कि रौतिया समाज जो संघर्ष कर रही है अनेक वर्षों से, और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि रौतिया समाज के कुछ लोग जो कम संख्या में थे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में, आज़ादी के तत्काल बाद ही आदिवासियों की सूची के संबंध में अपना मंतव्य बता दिया था कि हम लोग आदिवासी हैं। और इस संबंध में अगर इतिहास की में किताबों को अगर देखा जाए, मैं अगर देखूं तो इतिहास के किताबों के अनुसार इस संबंध में सबसे अच्छी और सर्वोत्तम किताब आरवी रसेल ने लिखी है, और वो ऑल इंडिया लेवल पर ट्राइबल के संबंध में और इस एरिया के ट्राइबल के संबंध में भी आरवी रसेल की एक बुक अंग्रेज़ों के ही काल में लिखी गई थी। और आरवी रसेल ने जो वर्तमान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में जो विसंगतियां हैं, उस किताब को अगर देखी जाए तो वो विसंगतियां बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अगर इस बात को मैं ये बात कहूं कि आरवी रसेल ने इस इलाके के बारे में क्या लिखा, तो मैं ये कहूंगा कि रौतिया को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आरवी रसेल ने माना था, भूमिया और भूइहर को भी आदिवासी श्रेणी में माना था, और लोहार को बिहार में, संभवतः बंगाल में भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आज भी मानी जाती है, परंतु छत्तीसगढ़ में लोहार आदिवासी नहीं है, झारखंड में आदिवासी नहीं है। विसंगतियाँ किस तरह से हैं? झारखंड में चीक जाति, जो बड़ाइक लिखते हैं अपने आप को, बड़ाइक को आदिवासी श्रेणी में रखा गया है, जबकि हम छत्तीसगढ़ की लिस्ट देखें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के रूप में है, शेड्यूल कास्ट के रूप में है वहाँ से। तो इस तरह की विसंगतियाँ आदिवासियों की जो ग्रुप्स हैं उसमें है, इसी तरह की विसंगतियाँ उड़ीसा में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। उड़ीसा के ट्राइबल लिस्ट में भूइहर ये तीनों ट्राइबल लिस्ट में है, जबकि हम यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो भूइहर को ओबीसी माना गया, जो विसंगति है। मैं ये कहना चाहता हूँ, खैरवार और खैरवार एक ही जाति है, लेकिन जब जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने लगती है तो खैरवार और खैरवार में फर्क बना दिया जाता है। तो इस प्रकार की विसंगतियों को कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, इन दोनों ने ही उपेक्षा की है, और मैं इन उपेक्षाओं को देखते हुए आज के तारीख में ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में रौतिया समाज जो आंदोलन कर रही है उसे अपना दायरा बढ़ाना चाहिए और भूइहर को भी ले लेना चाहिए और खैरवार के समस्याओं को भी अपने साथ लेना चाहिए। और मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए
शासन को, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, इन सरकारों को इस संबंध में विचार करना चाहिए। अगर कमेटी बनाना हो तो कमेटी बनाना चाहिए। और जहाँ तक रौतिया समाज की बात है, रौतिया जाति की बात है, तो मेरे जानकारी में इस बात की है कि देश की आज़ादी, जब आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947 को, और राज्यों का, रियासतों का विलीनीकरण 1948 को हुई, तब एक लिस्ट आई थी, ट्राइबल लिस्ट। उस वक्त नागपुर प्रदेश का कार्य राजधानी हुआ करता था, और उस समय जो लिस्ट आई थी 49 में, उस लिस्ट में रौतिया जाति 1950-51 तक आदिवासी मानी गई थी और आदिवासी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। परंतु इसके जस्ट बाद, कुछ दिनों बाद, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एक कमेटी बनी, और कमेटी का जसपुर आगमन भी हुआ था, और उस कमेटी ने रौतिया जाति को बाहर कर दिया। और उस कमेटी ने जो बाहर किया वो एक प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, और इसी निर्णय के कारण आज ये समस्या पैदा हुआ है। और इसलिए जो 48, 49, 50 में जो लिस्ट था, उस लिस्ट को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, और रौतिया समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भुइयां को, खैरवार खैरवार की समस्या को, भुइयां भुइहार भूमिया की समस्या को, विसंगतियों को, सबको एक साथ मिलाकर और एक नई अनुसूचित जनजाति की लिस्ट बनाई जानी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि चार राज्यों में जो विसंगतियाँ हैं, मतलब लोहार अगर बंगाल में आदिवासी हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी होना चाहिए, झारखंड में अगर चीक आदिवासी बन सकता है तो छत्तीसगढ़ में भी चीक को आदिवासी बनाया जाना चाहिए, उड़ीसा में अगर भुइयां भुइहार भूमिया आदिवासी की श्रेणी में आ सकते हैं तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल में भी ये जातियाँ पाई जाती हैं, इनको आदिवासी की श्रेणी में डाला जाना चाहिए। और इस प्रकार इन सारी विसंगतियों को और रौतिया समाज के मांगों पर विचार करते हुए, बृहद रूप से विचार करते हुए, और इनको आदिवासी श्रेणी में स्थान देना चाहिए। और जो कार्य रौतिया समाज ने किया है सराहनीय कार्य है, और संघर्ष अगर कर रहे हैं तो करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक कि ये सरकारें इन कार्यों को मानने के लिए मजबूर ना हो जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में जब अगर चुनाव होता है तो जिस प्रकार सुनी जा रही है हवा में कि हमें नोटा में वोट देंगे, नोटा में वोट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी तीसरे विकल्प में मतदान करना चाहिए ताकि दोनों पार्टियों को सबक। और इतना ही कहना चाहूँगा, और सरकार को मजबूर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र में ज़रूरी है। धन्यवाद।